एग्जेम्पशन लिस्ट में राइट, वहां पर कौन सी चीजों के लिए ज्यादा वैकेंसी है जिनके लिए आप जॉब की एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वहां पर वो एग्जेम्पशन लिस्ट आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मार्च में माल्टा में सारी सर्विसेज बंद कर दी गई थी और उसके बाद से ही लंबा इंतजार के बाद एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। माल्टा नेक्स्ट वीक से न्यू सिंगल वर्क परमिट की एप्लीकेशंस लेने वाला है। सो अभी अगर कोविड सिचुएशन की भी हम बात करें तो अभी जो कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस है 26 है और 2700 केसेस टोटल थे, जिसमें 665 रिकवर हो चुके हैं 9 डेथ्स के साथ में। तो वहाँ की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। और अभी रिसेंटली ही 23 जुलाई को अपडेट आया था कि 3 अगस्त से न्यू सिंगल वर्क परमिट की एप्लीकेशंस ली जाने वाली हैं। मतलब अब आप नए वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी आपका एम्प्लॉयर। तो उसमें क्या हुआ था कि गाइस मार्च में सारी वीज़ा इन्होंने सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी, तो उसमें कुछ जो एप्लीकेंट्स थे उनके वीज़ाज होल्ड हो गए थे, उनकी एप्लीकेशंस होल्ड हो गई थी, तो वो अब उनके ऊपर रीअसेसमेंट होने वाला है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये कि जिन्हें अप्रूवल आ चुका था वर्क परमिट का बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाए और उनका अप्रूवल लेटर एक्सपायर हो चुका है, तो उनके लिए उन्हें नया अप्रूवल लेटर के लिए एप्लीकेशन करनी रहेगी। सेकेंड चीज़ ये। और थर्ड जो सबसे बेहतरीन, न्यू वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप 3 जुलाई से। उसके लिए करना ये रहेगा आपको, बेसिकली आपके एम्प्लॉयर आपके लिए एप्लीकेशन करेंगे उसमें, तो उन्हें टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहेगी दी गई लिंक पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी रहेगी, फीस पे करनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने रहेंगे, एंड देन वहां से फिर अप्रूवल लेटर आता है। तो अभी जो लेबर वहाँ की जो डिमांड है, लेबर डिमांड को देखते हुए उस तरीके से आप लोगों को वर्क परमिट दिए जाएंगे। वर्क परमिट की प्रोसेस होती है वो आइडेंटिटी माल्टा करती है और जॉब प्लस करती है। तो इसके बारे में और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट को चेक करें और सेकेंड जॉब प्लस की वेबसाइट को चेक करें। वहाँ से आपको एंटायर प्रोसेस कैसे वर्क करती वो पता चल जाएगा, सेकेंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते वो पता चल जाएगा, और वहाँ से ये भी पता चलेगा आपको कि कौन सी वैकेंसी है एग्जेम्पशन लिस्ट में, राइट, वहाँ पर कौन सी चीज़ों के लिए ज़्यादा वैकेंसी है जिनके लिए आप जॉब की एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो एग्जेम्पशन लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी मतलब एग्जेम्पशन लिस्ट को चेक कीजिएगा, अगर लगता है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मेन साइट्स बता दी जहाँ से देख कर मैं खुद भी वीडियोज बनाता हूँ। और जहाँ तक रही जॉब्स की बात, तो जॉब्स की बात के लिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं माल्टा में जो वर्क कर रहे हैं ऑन वर्क परमिट, तो उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पर बात करेंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दोनों वीडियो कॉल पर बात करेंगे। तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं फिलहाल इंडिया में हूँ और वो वहाँ पर है। एंड गाइज, माल्टा में जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन रहती है जो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी माल्टा में करते हैं, उसमें 45 डेज का एवरेज टाइम लगता है और मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह रहती है कि मैं जैसे अपने ओल्ड वीडियोस में भी कहता रहता हूँ कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है जॉब ढूंढना, उसके बाद जो प्रोसेस रहती है वो जो आपका एम्प्लॉयर रहता है उनके लॉयर्स रहते हैं, वो लॉयर्स उनके बिहाफ पे पूरी एंटायर प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी प्रिपेयर करने रहते हैं सारी चीज़ें। तो माल्टा की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और जल्द ही स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा स्टार्ट होने वाले हैं। माल्टा की जो एम्बेसीज है इंडिया में वो स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही उनकी कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।